गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और आज है फ्राइडे और डेट है आज 14th ऑफ मे। तो आज फ्राइडे है और अभी कोई मैं वीडियो या ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ। एक्चुअल में ना मैंने स्टार्ट किया था अपना ब्लॉग, जो लास्ट ब्लॉग पब्लिश करने के बाद मैंने वो स्टार्ट किया था, बट ना मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। जो भी दो चार दिन में मैंने कुछ न्यूज़ में देखा है, सुना है, उस जब मैं वो देख रही थी ना, तो मेरा मन नहीं हुआ कि मैं कुछ ब्लॉग करूँ या वीडियो बनाऊँ। बट अभी मैंने सोचा ना कि एक छोटा सा वीडियो मैं बनाती हूँ। एक्चुअल में मुझे बहुत दुख हो रहा है उन न्यूज़ को सुनने के बाद, जो एक है पंजाब की और एक है अलीगढ़ की। मुझे पता है आप लोग सब समझ चुके होंगे अब तक, क्योंकि इस नाम ये जगह का नाम लेते ही जो आजकल अभी कुछ टाइम पहले जो न्यूज़ में आ रहा था, तो सब लोगों को पता है। एक्चुअल में अलीगढ़ में जो ट्विंकल शर्मा नाम की लड़की थी, जो शायद 2.5 साल की थी, 2.5 या 3 साल की थी, वो उसके साथ जो भी कुछ हुआ है वो सोचने वाला। एक सेकंड में अभी बात करती हूँ आपसे। हाँ जी, तो 2.5 साल की बच्ची के साथ ऐसे कोई कैसे कर सकता है, समझ में नहीं आता। और क्या उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था किसी का, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। और आजकल तो जो कहते हैं कि जैसे बड़ी लड़कियां होती हैं, बड़ी बच्चियां होती हैं, तो उनको बोल देते हैं कि आप ये मत पहनो, आप जींस पहनोगे तो आपको सब ऐसे देखेंगे, और आप ये पहनोगे तो आपको सब ऐसे देखेंगे। बट छोटी बच्ची, सीरियसली छोटी बच्ची, समझ में नहीं आता मुझे। पता नहीं सब समाज में सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और ये बहुत गलत है, बहुत अच्छा नहीं है। चंद पैसों के लिए ऐसा करते हैं लोग, समझ में नहीं आता है मुझे, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा। और उस माँ पे क्या बीत रही होगी, सोचना भी ना, सोचो ना तो दिल ना, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आता कि उस परिवार पे, उस माँ पे क्या बीत रही होगी। और ऐसी वो जो दूसरा वाला केस था जो पंजाब का था, और जो बोरवेल में वो जो वो भी शायद 2.5 साल का ही बच्चा था, फतेहवीर, वो भी जो बोरवेल में गिर गया था और जो 6 दिन तक फाइट करता रहा उस बोरवेल में, मतलब उस रह के, और 6 डे वो उसकी डेथ हो गई थी। पता नहीं उसने कैसे सर्वाइव किया होगा इतने दिन, क्या, क्योंकि अगर कोई बड़ा बच्चा होता तो उसको हम ऊपर से कुछ खाने पीने को देते तो वो खा भी लेता, पर वो 2.5 साल का बच्चा क्या कैसे करता, समझ में नहीं आता। मेरा तो ये मानना है कि आपका चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, उसको अपने साथ ही रखिए, उसको कहीं मत जाने दीजिए। मतलब कहीं क्या, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ उसको लेके जाइए, बट ऐसे किसी भी अनजान के साथ या किसी भी, आजकल देखना किसी पे ट्रस्ट करना ना, ट्रस्ट नहीं है आजकल, नहीं कर सकते हम किसी पे भी ट्रस्ट अपने बच्चों को लेके। तो पता नहीं दुनिया कैसी हो गई है कि बच्चों के साथ ऐसा कर बैठती है। जैसे मैं ट्विंकल शर्मा के लिए बोल रही हूँ ये सब, और वो रहा फतेहवीर, तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे बहुत किस्मत से मिलते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों की सेफ्टी आप ही के हाथ में है, ये मैं माँ को बोलूँगी, जो मदर्स हैं वो ही अपने बच्चों को ध्यान, वो ही ध्यान दे पाती हैं अच्छे से। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सेफ रखिए, और कहाँ खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, उन सब पे भी आप ध्यान दीजिए। और अच्छा नहीं हुआ ये दोनों केसेस, जब मैं सुन रही थी ना तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। और सोचो कि जिनके घर में ये सब हुआ है, जिनके बच्चों के साथ ये सब हुआ है, हम तो उन्हें जानते भी नहीं हैं, हम उनके आसपास के भी नहीं हैं, हमने उनको कभी देखा नहीं है,
तो हमको इतना फील हो रहा है, इतना बुरा लग रहा है, लेकिन जो उसके आसपास के लोग हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं उनके, उनको सोचो कि कैसा फील हो रहा होगा। और बच्चा चाहे एक हो चाहे दो हो, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को सबको इक्वली प्यार करते हैं, तो ये से दोनों कैसे सुन के ना मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए कोई वर्ड्स नहीं होते, सिर्फ फीलिंग होती है। हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते कि हमें कितना बुरा लग रहा है उन चीज़ों को देख के। बट प्लीज़ बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और बच्चों के साथ क्या, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और पता नहीं क्या हो गया है, लोगों को समझ में नहीं आता है कुछ कि ऐसा कैसे कर देते हैं। तो बस ये छोटा सा था, मुझे अभी समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग को कि मुझे कितना बुरा लग रहा था इन दिनों वो सारी न्यूज़ देख। पता है इवन उस जब फतेहवीर जब बोलवेल में था तो ये सोचते थे कि अब वो बाहर आ जाएगा, अब वो बाहर आ जाएगा, मिनट मिनट पे लगता था हाँ वो सही सलामत बाहर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं पता था कि वो हम सबको छोड़ के चला जाएगा। तो बहुत ही बुरा लगता है ये सब सोच के कि अभी 2 दिन पहले तो हमारा बच्चा हमारे साथ में था और अब नहीं है, सडन वो नहीं है, तो कितना बुरा लगता है और ये ज़िंदगी भर का दुख रह जाता है। तो प्लीज़ बच्चों को, बच्चों की सेफ्टी आप ही के हाथ में है, पेरेंट्स के हाथ में है मेनली, तो प्लीज़ बच्चों को ध्यान दीजिए। सभी देते हैं वैसे तो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेबी तो नहीं है बट, और होने वाली बात, कहते हैं ना कि होने वाली बात होती है तो होके रहती है, बट कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में होती हैं ना कि हम देख सकते हैं कि बच्चा कहाँ खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, और हम उसको गाइड कर सकते हैं कि क्या बुरा है आपके लिए और क्या अच्छा है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं आजकल बच्चों को समझाने के लिए। तो अभी तो मेरे पास कोई ब्लॉग नहीं है, मैं छोटी सी ये वीडियो है जो मैं पब्लिश कर दूंगी आज, बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है और ना मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ उस फीलिंग को। बट गुस्सा तो बहुत है, ट्विंकल शर्मा का जो केस है उसके लिए तो बहुत गुस्सा है कि कैसे, और उनको सच में उनको सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि उन्होंने अच्छा नहीं करा है। तो और रही फतेहपीर वाली, तो उसके लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई वर्ड्स भी नहीं है उसके लिए बोलने के लिए। बच्चा, छोटा सा बच्चा, चाहे वो ट्विंकल शर्मा हो चाहे वो फतेहवीर हो, वो उस टाइम कैसा फील कर रहे होंगे दोनों, एक को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही होगी उस टाइम पे, और जो ट्विंकल शर्मा है उसको, उसने तो पता नहीं क्या क्या झेला होगा, हम लोग नहीं समझ सकते, जो जिन पे जिनके साथ ये सब होता है ना वही समझ पाते हैं, इवन हम नहीं, कोई भी नहीं समझ सकता कि उनके साथ क्या हुआ होगा कैसे हुआ होगा, क्योंकि पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये दोनों केसेस सुन के ना, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। इवन मैं तो समझ भी नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे बात करूँ इस चीज़ को लेके, पर बहुत ज़रूरी है दोनों को, जस्ट ट्विंकल शर्मा को जस्टिस मिलना चाहिए। और बस मैं इसको यहीं एंड करती हूँ, और प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखिए, थोड़ा सा हम ही कर सकते हैं अपने बच्चों की थोड़ी सी सेफ्टी, तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनर, मतलब मैं क्या बोलूँ, सभी ध्यान रखते हैं वैसे तो अपने बच्चों का, लेकिन ये सब चीज़ें जब होती है ना तो बहुत बुरा लगता है सोच के। एनीवे, अच्छा नहीं लग रहा है, बस मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। और नहीं अच्छा लग रहा था अभी कुछ दिन से, तो नहीं कर पा रही थी, इवन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ब्लॉग मेरा कंटिन्यू रहना, बट मैं, मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था, मुझसे नहीं हो पा रहा था। इवन मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी यार ऐसे कैसे हो जाता है, कैसे कर लेते हैं सब। तो मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, ओके। अगर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके #जस्टिस फॉर ट्विंकल शर्मा ये लिख दीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नए वीडियो में, तक के साथ बने रहिए, और इसको
जैसा भी है मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या बोलना चाहिए, बट मुझे मेरा मन था कि मैं इस पे करूँ कुछ, बनाऊँ कुछ, बोलूँ कुछ जो मेरे मन में है, मेरे दिल में है, वो सो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।